जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक छोटी सी रील बनाने वाला था एक दो शब्द की जानकारी देते हुए, लेकिन जब रील बनाने लगा इनको व्यवस्थित करना पड़ा मुझे, और उसके बाद भी डेढ़ दो ढाई मिनट लग रहे थे, जबकि रील एक मिनट से कम में बनानी होती है। फिर मैंने सोचा क्यों माथा मारूं इतना और वीडियो बना देता हूँ, तो वो सेटिंग जो शब्दों की थी वो हुई नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा था। चलिए ऐसे ही बता देता हूँ, ध्यान से सुने। सत्य, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं से नए शब्द बना लिए जाते हैं आवश्यकता अनुसार, कभी तो प्रत्यय लगाकर, कभी उपसर्ग लगाकर, कभी संधि से भी दो शब्दों को पास लाकर नया शब्द बना देते हैं, और कभी समास से भी नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, जैसे सत्य है तो अ लगा दिया, असत्य, ठीक, ये उपसर्ग से बन गया। ठीक है, सत्यता, इस मैटर की सत्यता की जांच होनी चाहिए, तो सत्यता, ता प्रत्यय लग गया, तो प्रत्यय से भी नए शब्द बन गए। ठीक है, और देखें सत्य असत्य, तो ये हमने समास से बना दिया, द्वंद समास है, सत्य और असत्य, द्वंद समास। ठीक है, तो ये समासिक पद बन गया। ठीक है, जो समास से बनते हैं उनको समासिक पद कहते हैं, और द्वंद समास है। ठीक है, संधि से भी नए शब्द बन जाते हैं, तो संधि से कैसे, यहाँ देखो सत्य, ये ए आ रहा ना यहाँ, ए, और ये ए आ हो गया, ये रहा आ। ठीक है, ये आ रहा, सत्य असत्य, सत्य असत्य। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो गई, तो संधि से भी नए शब्द बन गई, है ना। अब देखो सत्यांश, सत्य अंश, ये भी दीर्घ संधि है, सत्य ए और अंश ए। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य प्लस में आग्रह, ये भी स्वर संधि है। अब यहाँ गौर करें, सत्याग्रह इसमें समास भी है संधि के साथ साथ, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के लिए आग्रह है, तो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें। जैसी विभक्तियाँ आती है ना, वैसे तत्पुरुष के नाम अलग और रखे जा सकते हैं। जितने भी समास हैं, छह समास, उनमें तत्पुरुष सबसे बड़ा है, बड़े का मतलब है उस पर ज़्यादा शब्द बने हैं, ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और उनकी जो विभक्तियाँ आती हैं ना, पहली को छोड़ो, ने को, और अंतिम हे अरे ओ, उनको छोड़ो, बाकी सारी विभक्तियाँ तत्पुरुष समास में आती है, जब विग्रह करते हैं शब्द का, है ना। जैसे पहले मैंने बताया था आप पर बीती, तो आप बीती, तो पर आ गया ना, रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का आ गया ना, तो इस तरह से उनके नाम भी विभक्तियों के आधार पर रखे जा सकते हैं। जैसे का के की आए, तो वहाँ संबंध तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष ही। तो ये देखो सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, या सत्य के लिए आग्रह, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि संधि के जो शब्द है ना, उनमें समास आ जाते हैं, समास होते हैं। ठीक है, लेकिन आप समास वाले शब्दों में संधि ढूंढो तो कुछ में मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहा जाता है, जब मैं याद करता था छोटी कक्षा में, तो अंतर याद करता था ना, समास और संधि में अंतर, तो और बच्चे दो दो तीन तीन अंतर लिखते थे, कई कई तो एक ही लिखते थे। क्या लिखते थे, कि संधि में वर्ण जुड़ते हैं जबकि समास में विभक्तियों का लोप होता है, बस ये मोटा संतर एक ही। मैं तो सात सात आठ आठ अंतर लिखता था। ठीक है, तो उन्हीं में एक अंतर में ये लिखता था कि संधि के अंतर्गत समास आ सकता है, समास के अंतर्गत संधि नहीं आ सकती। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा सुनो, कोई शब्द है उसमें समास है, मतलब सामासिक पद है वो, तो उसमें संधि लगे ना लगे जरूरी नहीं है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता यहाँ संधि थोड़ी है, दाल रोटी, तो दाल रोटी में तो द्वंद समास है लेकिन संधि थोड़ी है। हाँ, संधि के जो शब्द है ना, उनमें समास लगभग मिलेंगे आपको, समास सामासिक पद भी होगा वो। ठीक है ना, तब कहते हैं कि संधि के अंतर्गत समास आ सकते हैं। इस विवरण से आप क्या समझे, कि जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं से नए शब्द बना लिए जाते हैं आवश्यकता अनुसार, उपसर्ग से नए शब्द बन जाएंगे, प्रत्यय से, संधि से और समास से। ठीक है, तो हमें देखना चाहिए कि वो शब्द किस से बना है, किस प्रक्रिया से बना है। चार प्रक्रियाएं हैं और पांचवी भी है, वो कौन सी है, उसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलाकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं संकर शब्द, वो संकर शब्द होते हैं, संकर मतलब मिश्रित। अपने बोलते हैं ना कई बार संकर बीज, जो दो प्रजातियों से तैयार किया जाता है, समझ में आ रही बात है। जैसे खच्चर है ना, वो घोड़ा और जो गधा है उनके बीच का
संकर प्रजाति है वो एक तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक शब्द ले लो आप रेल, ठीक है, आर ए आई एल है ये मूल रूप से, तो आर ए आई एल, ठीक है। अब आगे गाड़ी हिंदी का लगा दो तो रेलगाड़ी, इसको बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है। कई बार कंपटीशन में आता है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, तो ये देख लिया करो कि दो भाषाओं से मिलकर बना होगा वो, एक ही भाषा का नहीं होगा, ठीक है। अब एक शब्द देखो आप, अन्याय, इसमें सही नहीं है अन्याय, चलो मैं साथ में लिख देता हूँ उसी के आधार पर आप समझिए। तो ये उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है ना, कभी यूं मत करना अन्य प्लस में आय, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नियम तो ऐसे लग रहा है आपको, दिख रहा है अन्याय, तो ये ए और ए आ होता है ना, तो अन्य प्लस में आय, कि एक तो तेरी मूल तनख्वाह है ही, ऊपर से और आय हो जाएगी, यानी दो नंबर का धंधा, तो अन्य आय, मतलब अगर आपको किस्मत से नौकरी मिली है, किस्मत से तो नहीं कहूँगा, हार्डवर्क करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, पर मान लो, यूँ मान लो कि हमने हार्डवर्क की और किस्मत ने भी साथ दिया, क्योंकि हार्डवर्क तो वो भी करते हैं जो पॉइंटों में रह जाते हैं, ठीक है ना, तो कई बार थोड़ा लक का भी होता है। तो मान लो आप थोड़ा बहुत लक काम किए है ना, आप चुनिंदा में आए हो, तो वो जो लक है वो आपको यूँ कहेगा कि अन्याय मत करना, तुझे अन्याय के लिए नौकरी नहीं दी, अन्य आय उसके लिए नौकरी नहीं दी, अगर उसके लिए नौकरी समझेगा तो ये अन्याय हो जाएगा, अन्याय, न्याय नहीं होगा, ठीक है। तो शब्द का सही अर्थ लगाएं और शब्दों को समझें कि वो किस से बना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और भी अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा, शब्दों की जानकारी देता रहूँगा, ये चैनल विद्यार्थियों का है, यहाँ कोई फोड़ता नहीं मिलेगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, सब कुछ के लिए यहाँ काफ़ी मैंने वीडियो बनाई है और बनाता रहूँगा। मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है टेक्निकल, तो क्या है कि YouTube क्या कहते हैं मेरे चैनल को कई बार सीज कर देता है, मेरे वीडियो आगे भेजता नहीं है तो व्यू नहीं आते, ठीक है। तो फिर जब मैं वीडियो बनाता हूँ 10, 15, 20, 50, 100 इतने व्यू आते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतना तैयारी करने का या इतना समय खराब करने का, है ना। तो चलो YouTube जो सजा देता है वो दे देता होगा, पर आप मत दो, आप इसको शेयर करो, ठीक है। तो YouTube भी कितनी देर सीज करेगा, ठीक है, वो अपने आप ही वायरल हो जाएगा। मैं वायरल इसलिए करवाना चाहता हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ ना वो ज़्यादातर बच्चों के पास पहुँचे तो सही, बस इतना ही मकसद है और ज़्यादा नहीं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।